बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 22 करोड़ आबादी के मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है वो काफी खराब है। पाकिस्तान को इस वक्त काफी खराब मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान इस वक्त अपने दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है कि कहीं से कोई इमदाद आ जाए। मगर दूसरी तरफ अगर हम मिस्र की बात करें तो उसकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, बल्कि पाकिस्तान से काफी ज्यादा खराब सूरत हाल है इस वक्त मिस्र की। मिस्र की बात करेंगे कि मिस्र किस तरह डिफॉल्ट होने जा रहा है, मिस्र किस तरह डिफॉल्ट लिस्ट में शामिल हो गया है। बात करते हैं मिस्र की सूरत हाल की, मिस्र की मार्केट की, मिस्र की मौसमी हालत इस वक्त क्या है उस पर बात करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी के अरब अफ्रीकी मुसलमान मुल्क मिस्र को भी संगीन मौसमी सूरत हाल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। मिस्र भी अपने दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है। मिस्र के दोस्त मुस्लिम ममालिक ने काफी हद तक मिस्र की मदद की है, मिस्र की मौसमी हालत में भी मदद की है मिस्र को, और इन्वेस्ट भी काफी ज्यादा किया है मिस्र के दोस्त ममालिक ने। मगर मिस्र की सूरत हाल अच्छी ना हो चुकी है, मिस्र को इस वक्त काफी खराब मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मिस्र डिफॉल्ट होने जा रहा है। मिस्र की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी हाल और मुस्तकबिल का अहाता करती है और बताती है कि अगर दुरुस्त वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं तो क्या हो सकता है और क्या हालत होती है फिर एक मुल्क की अगर सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं। मिस्र की करेंसी मिस्री पाउंड कहलाती है और मिस्री पाउंड एक साल में 40% गिर चुका है और गुज़श्ता 2 माह में मिस्री पाउंड 20% गिर चुका है। महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई, बैरूनी कर्जे इस हद तक बढ़ गए कि मिस्र को बार बार IMF के पास जाना पड़ा। इस बार भी 3 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए IMF ने मुतालबा किया कि मिस्र अपनी करेंसी कंट्रोल ना करे बल्कि मार्केट पर छोड़ दे, मगर मिस्री हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। मिस्री हुकूमत अपनी करेंसी मार्केट पर छोड़ने में हिचकिचाहट का शिकार रही। डॉलर का ऑफिशियल रेट इस वक्त 27 मिस्री पाउंड है, जबकि ब्लैक मार्केट में डॉलर इस वक्त 23 मिस्री पाउंड में दस्तयाब है। खुद करेंसी डीलर $1.29 मिस्री पाउंड में खरीद रहे हैं। गुज़श्ता 8 वर्ष में मिस्र के दोस्त ममालिक ने बहुत ज्यादा मिस्र की मदद की। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने मिस्र की बेपनाह मदद की, अरबों डॉलर दिए, मगर मिस्र की मार्केट सूरत हाल बेहतर ना हो सकी और मिस्र की मार्केट गिरती चली गई। मिस्र के रेवेन्यू का 40% से ज्यादा जो है वो कर्जों की अदायगी में चला जाता। 2019 में अवाम ने मिस्र में एहतजाज किया, लेकिन मिस्री हुकूमत ने 4,000 अफराद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और एहतजाज खत्म कर दिया। अरब अमारात ने मिस्र में सरमायाकारी की, जिसमें अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी ने मिस्र की लिस्टेड कंपनीज में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया ताकि मिस्र की मौसमी सूरत हाल बेहतर हो सके। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट फंड ने भी अगस्त में सऊदी मिस्र इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉर्थ की मिस्र के मुख्य बिजनेस में 1.3 अरब डॉलर के शेयर खरीदे, मगर मिस्र की हालत बेहतर ना हो सकी। मिस्र का बैरूनी कर्जा गुज़श्ता 10 सालों में बढ़कर 3 गुना हो गया और 157 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, जिसमें से 52 अरब डॉलर का कर्जा सिर्फ बैनुल अक़वामी अदारों का है और जिसमें से 45% IMF का है। मिस्र के पास 33.5 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, इसमें से 28 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है। रेटिंग एजेंसी मोडीज़ के मुताबिक मिस्र उन 5 ममालिक की लिस्ट में शामिल है जिनका अपने बैरूनी कर्जों की वजह से मुल्क को डिफॉल्ट होने के बाद सबसे ज्यादा है। मिस्र का बैरूनी कर्जा GDP का 35% है और मिस्र अपनी बहुत ज्यादा खुदाइशा दरामद करता है जिसमें गंदम भी शामिल है। मिस्र में रोटी की कीमत जहां 1 पाउंड की, अब रोटी की कीमत 1 पाउंड से बढ़कर 3 पाउंड तक जा चुकी है। और मिस्र की सूरत हाल इस वक्त यह है कि एक खरीदार अपनी मर्जी की खरीदारी भी नहीं कर सकता। एक खरीदार एक वक्त में 3 किलो चावल, 2 बोतल दूध और 1 बोतल खाने का तेल खरीद सकता है। 2016 में मिस्र के सदर अब्दुल फतह 12 अरब डॉलर के IMF प्रोग्राम में चले गए और वादा किए कि मार्केट में रिफॉर्म लेकर आएंगे, करेंसी को मार्केट पर छोड़ दिया जाएगा, मगर फिर ऐसा ना किया गया और बार बार IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज लिया गया। पैसा रिफॉर्म, तालीम और सेहत की बजाय मिलिट्री के मातहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में खर्च किया गया, यहाँ तक कि मिस्री सदर ने 60 अरब डॉलर का दारुलहुकूमत के लिए एक नया शहर बनाने का ऐलान भी कर दिया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिस्र की 60% से ज्यादा आबादी या तो गुर्बत की लकीर से नीचे है या फिर इसके करीब है। 2020 में कोरोना और 2022 में रूस यूक्रेन जंग ने भी मिस्र की मार्केट की तबाही में बड़ा किरदार अदा किया है। मिस्र रूस और यूक्रेन से गंदम दरामद करता था। रूस यूक्रेन जंग के बाद 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी मिस्र से निकली। टूरिज्म में काफी हद तक कमी है, टूरिस्ट की ज्यादातर तादाद रूस और यूक्रेन से ही आती थी। खाने पीने की एशिया में 31% तक महंगाई हो गई, खाने पीने की एशिया इस वक्त 31% महंगाई पर चली गई है।